मोहम्मदी और कुरान पर जो फॉलो करते हैं मुसलमान, जो एक तथाकथित धर्म से ताल्लुक रखते हैं, उसको हम छोड़ चुके हैं। ज्यादा इस वजह से हमने शिया वक्फ बोर्ड, जिसका मैं निर्वाचित सदस्य था, उसको भी छोड़ दिया। हिंदू धर्म अपनाने के बाद अब वसीम रिजवी ने उठाया ये बड़ा कदम। लोगों ने कही बड़ी बात। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी यानी वसीम रिजवी ने मंगलवार को शिया वक्फ बोर्ड की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बोर्ड की बैठक से पहले शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बता दें कि वसीम रिजवी ने पिछले हफ्ते हिंदू धर्म अपना लिया था और अपना नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लिया था। जितेंद्र त्यागी के इस्तीफे देने के बाद सोशल मीडिया पर भी अलग अलग राय देखने को मिल रही है। ट्विटर यूजर सागर ने रूबिका लियाकत को टैग करते हुए रिएक्शन दिया और लिखा कि हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित हो गई हो तो वसीम रिजवी से ज्ञान प्राप्त कर सकती हो। अभी अभी ब्राह्मण बने हैं, है कोई जवाब? अमिताभ नाम के यूजर लिखते हैं, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी ने भी ₹2 वाला # ट्विटर ज्वाइन कर लिया। बस इनको भी अब गजेंद्र चौहान की तरह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कुलपति बना दे तो इनका जीवन भी अब सफल हो जाएगा। प्रज्ञा गौतमी नाम की यूजर लिखती है, धर्म बदलने के बाद वसीम रिजवी की जाति किस आधार पर तय की गई है? आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे।